एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ आइकिया हॉल तो मेरा ये फर्स्ट विजिट था आइकिया का बिकॉज मैंने ऑर्डर वैसे भी किए हुए हैं पहले भी लाइक ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए हैं बट जाना कभी नहीं हो पाया बिकॉज वो वैसे तो सिटी से इतना दूर वो ओपन भी करते हैं एंड देन देन नेक्स्ट थिंग कि वहाँ इतनी भीड़ होती है सुन के ही मुझे मतलब थोड़ा होता है तो इसलिए मैं कभी गई नहीं थी बट इस बार हमने प्लान किया कि घर की जो भी छोटी मोटी चीज़ें लेनी आई I मीन mean, ऑर्गेनाइजर एंड और ऑल तो वो हम आई क्या जाके लेंगे सो लेट्स स्टार्ट द हॉल वीडियो तो मैंने मैं जब गई तो मैंने बहुत कुछ शॉपिंग भी कर लिया कुछ चीज़ें तो यहाँ से सोच के गई थी कि वो मुझे लेना है वो लिया और कुछ चीज़ें वहाँ रेंडमली जो पसंद आ गई वो हमने ले लिया तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं दीज़ हैंगर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है घर के वार्ड्रोब को सही रखने के लिए तो इसके लिए मैंने बहुत सारे हैंगर्स लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिए और फर्स्ट वन इज दिस वन दिस इज़ चिल्ड्रन रूम के लिए है कलरफुल वाले नेक्स्ट आई गॉट डीज इनका जो क्वालिटी uh, है इट्स ओके ओके ठीक है मतलब बहुत हैवी कपड़े आप नहीं रख पाओगे साड़ी एंड ऑल जो हैवी होते हैं वो नहीं रख पाओगे एक जो कैटेगरी थी हैंगर की वो ये ब्लैक वाली इट्स लाइक टेन पीसेस और टू हंड्रेड में आपको ये टेन पीसेस मिल रहे थे बट इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है इसके ऊपर आप हल्के कपड़े रख सकते हो लाइक टॉप टी शर्ट इस ढंग की चीजें आप इस पर हैंग कर सकते हो देन आई गॉट दीज वुडन वन आ uh, जो कि बेसिकली uh, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसपे नैन के कपड़े ज्यादा अच्छे से रहेंगे लाइक शर्ट पैंट्स और बी ब्लेजर्स वो सारी चीजें इस इसपे अच्छे से आ जाएंगी और इस इसपे साड़ियां भी अच्छे से आ जाएंगी बिकॉज ये थोड़ा सा मटेरियल अच्छा है वुड वाला है तो स्टडी है अगेन आई गॉट टू ऑफ बट ये वाले कुछ सिंगल सिंगल थे जो मैंने लिए ये मैंने इसलिए लिए बिकॉज इसमें uh, ये क्लिप भी है सो दैट आई कैन हैंग समथिंग इन द क्लिप ऑल्सो और ये भी काफी स्टडी है तो इतने सारे हैंगर्स मैंने लिए स्पेशली मैं हैंगर लेने ही गई थी एक्चुअली बताऊ तो विच वॉज अ गुड डील आई गेस क्योंकि uh, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कम्पेरेटिवली प्राइस भी ठीक लगा एंड क्वालिटी भी मोर और लेस अच्छी है तो so ये इतने सारे मैंने मुझे बॉक्सेस मिल गए काफ़ी अच्छी डील मिल गई तो मैंने काफ़ी अच्छे सारे ले लिए दिस आई कैन यूज़ इन द किचन और मे बी uh, मेरे वॉडरूम में भी मे बी यूज हो जाएगा ये लीड के साथ भी मिल रहे थे बट मुझे बिना लीड के चाहिए थे क्योंकि ये इसको मैं अपने वैनिटी में भी रखूंगी लाइक अपने सारे स्किन केयर एंड ऑल भी अगर इसमें रखती हूँ मेकअप के प्रोडक्ट्स अगर इसमें रखती हूँ तो भी काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे और ऑल मेरे मेकअप और स्किन केयर ऑलवेज ऑर्गेनाइज रहते हैं मेरा एकदम नीट एंड क्लीन रहता है ऑल द टाइम नेक्स्ट आई गॉट दिस टू बाथरूम ऑर्गेनाइजर्स वैसे तो घर पे रहता ही आई मीन वॉशरूम में हम वुडवर्क करवाते ही करवाते हैं बट स्टिल मुझे ये काफी अच्छा लगा और डील भी मुझे काफी अच्छी लगी तो मैंने ये दो ले लिया वॉशरूम के लिए सो दिस आई विल फिट इन क्रियांश क्रियांश के वॉशरूम में मैं अपने बेबी के वॉशरूम में इसको फिट करूंगी क्योंकि अभी उसका वॉशरूम वगैरह सब अलग हो चुका है एंड ही यूज वॉशरूम ओनली फॉर एवरी तो मुझे लगा उसकी चीजें मैं इसमें डाल के आराम से एक कॉर्नर में लगा दूंगी उसके हाइट के अकॉर्डिंग सो दैट ही कैन ऑल्सो पिक पिक फ्यू थिंग्स अगर उसको चाहिए तो अदर देन अभी कैसे होता है हमें उसको हेल्प करना पड़ता है या फिर उसको स्टेपर यूज करना पड़ता है सो इसके लिए मैंने ये लिया अभी उसकी हाइट पे आई विल

तो उसको अच्छा लगता है तो उसके लिए मैंने ये अपने हाउस हेल्प के लिए लिया है मतलब ऑब्वियसली सी इज गोइंग टू यूज़ इट हियर बट हाँ उसके यूज़ की एक चीज़ें चीज़ मुझे मिली तो बेसिन उसको क्लीन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा इसे इसलिए नेक्स्ट अगेन अ वाइपर बिकॉज ये भी मुझे काफी अच्छा लगा ये एक्चुअली किचन के स्लैब वगैरह या सिंक वगैरह को क्लीन करने के लिए काफी अच्छा है सो so, ऐसे ऐसे मैंने दो बैग खरीदे आइकिया में सो नेक्स्ट वन तो ये मैंने कैश के रूम के लिए लिया है और इट्स वेरी सॉफ्ट एक्चुअली बहुत अच्छा और एंटी स्किट वाला है तो इट वॉज अ नाइस एंड गुड डील और uh, मुझे ऐसे ग्रे कलर वगैरह बहुत पसंद आता है रेड ब्लू ग्रीन मुझे इतना पसंद नहीं आता है कारपेट पे तो डोर मैट दिस इज रियली नाइस ये भी कैंश के रूम में ही जाएगा या नेक्स्ट आई गोट डी वॉशरूम मैट सो दैट की स्लिपरी ना रहे क्योंकि अभी कैश जैसे नहा के निकलता है उसके बाद वो बहुत ही मतलब बच्चे हैं ही कैन स्लिप सो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये मैंने लिया है और ये डायनासोर के प्रिंट मतलब इसका मिला उसको डायनासोर से बहुत ज़्यादा ही लगाव है एक तो और इधर जो है थोड़े टेक्सचर हैं तो एंटी स्केट हो जाता है आपका फ्लोर तो इसके लिए मैंने वॉशरूम के लिए लिया क्या के वॉशरूम के लिए वैसे तो आई सॉ सो मैनी थिंग्स विच आई विच आई रियली लाइक फॉर किड्स रूम और किड्स के यूज़ की चीज़ें बट मुझे इतनी लेनी नहीं थी बिकॉज उसका रूम ऑलरेडी सेटअप है तो मुझे ऐसा कुछ उसमें एक चेंज करना नहीं था दैट्स वाई अदरवाइज अगर मैं पहले आई किया जाती तो मैं आगे से बहुत सारी चीज़ें किड्स रूम के लिए ले सकती थी लाइक बेड स्टडी टेबल एंड ऑल वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था बट वी ऑलरेडी हैव दैट तो मैंने वो सारी चीज़ें पे इतना ध्यान नहीं दिया नेक्स्ट वन वन बाथ टाल सो इसका कोई पर्पज़ नहीं था लेने का बट uh, मुझे ऐसे ही लग गया कि चलो एक टा, एक्स्ट्रा टाल ले लेते हैं तो मैंने ले लिया ये एक बाथ टाल बाकी बाथरूम वगैरह अच्छे दिख रहे थे मुझे बट आई हैव बाथरूम सो आई थॉट थरूम वगैरह काफ़ी अच्छे मिल रहे थे आइकिया में और कंपेरिटिवली होम सेंटर वगैरह से कम प्राइस के मिल रहे थे और इफ़ यू गो टू होम सेंटर तो आपको ये सारी चीजें थोड़ा आई क्या से ज्यादा प्राइस में मिलेगी आई आई थिंग्स फ्रॉम होम सेंटर फॉर माई होम जो भी चीजें आपको दिखती हैं वो बेसिकली मेजरली मेरे जो है ना घर की चीजें क्रॉकरी एंड और सब जो है वो होम सेंटर की होती है बट फर्स्ट टाइम आई एम बाइंग फ्यू थिंग्स फ्रॉम आई क्या फॉर माई हाउस तो मुझे ऐसा लगा कि प्राइस प्राइसलेस है क्वालिटी वाइज भी ओके ओके है ठीक है एंड ये कटलरी सेट मुझे मिल गया टेन का सेट है ये तो आई गॉट दीज स्पून फोक एंड स्मॉल स्पून मेरे मुझे ना क्रॉकरीज का बहुत ज़्यादा शौक है तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं क्रॉकरीज जरूर लेती हूँ मेरे घर में क्रॉकरीज डिफरेंट डिफरेंट डिफरें टाइप की भरी हुई रहती है भले ही मैं उसको डेली बेसिस पे यूज ना करूँ बट होती है मेरे घर में एंड आई गॉट वेरी यूजफुल थिंग दीज क्लिप्स जिसका मतलब बहुत यूज होता है तो ऐसा नहीं है कि ये आई क्या में ही मिलता है ये हर जगह मिल जाता है अमेजोन से मैंने बहुत बारी मंगवाया है और बेसिकली uh, अच्छी क्वालिटी का ही मंगवाया है अभी भी ऐसे खराब नहीं आया है अमेजोन से ये दीज स्मॉल स्मॉल क्लिप्स। वैसे ये सारी चीज़ें कुछ भी यूनिक नहीं है सब अमेजोन पे इजिली अवेलेबल है यू कैन बाई इट फ्रॉम अमेजॉन एज वेल आई क्या बेसिकली आई थॉट इट्स फॉर होम लाइक फर्नीचर एंड ऑल इफ यू टू बाई सस्ता बेड सम सस्ता सोफा चेयर एक्चुअली डाइनिंग सेट इफ यू वॉन्ट इन लाइक वेरी रिजनेबल प्राइस तो यू कैन डेफिनेटली विजिट आई क्या मैंने मेरा जो लास्ट सोफा है मेरे पास ऑलरेडी एक सोफ़ा है टू सीटर सोफा विच इज फ्रॉम आई क्या आई हैव अन चेयर विच इज फ्रॉम आई क्या तो मतलब वो सब काफ़ी रीजनेबल प्राइस वाले हैं एज कम्पेयर टू इफ आई टॉक अबाउट होम सेंटर होम स्टूलाइट ये सारे जो ब्रांड्स हैं होम के होम फर्नीशिंग के सोफाज एंड मोर इन सब के कंपेयर में बहुत ही मतलब रिजनेबल प्राइस है तो यू कैन डेफिनेटली विजिट आई की आइफ यू वॉन्ट ऑल दोज थिंग्स तो ये थ्रो मैंने एक लिया है इसी सोफा के लिए लिया है बिकॉज दिस इज अ वाइट और ये ग्रीन सोफा है तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को इसके लिए और दिस दिस कास्टेड में अराउंड थर्टीन नाइन्टी नाइन फोर्टीन हंड्रेड का पड़ा ये और मुझे ऐसा क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है काफी वार्म फील दे रहा है एंड माय फेवरेट थिंग्स आर कमिंग नाउ जो मैंने मतलब बेसिकली मैं जिसके लिए आई क्या गई थी सो ग्लास सेट ये मुझे 1300 का फोर ग्लास uh, मिला है क्वालिटी काफी अच्छी है काफी uh, मतलब अच्छा लग रहा है मतलब काफी स्ट्रॉन्ग ग्लास मटेरियल है ये एंड दिस नॉट अ वाइन ग्लास दिस इज आई थिंक समथिंग लाइक यू कैन ड्रिंक जूस और सिंपल वाटर ऑल्सो So, ये मैंने सिंपली वाटर के लिए लिया है एंड वाइन ग्लासेस भी बहुत अच्छे मिल रहे थे आई में सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट क्वालिटी काफी अच्छी थी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मुझे ऐसा लगा कि प्राइस कम्पेटिवली बहुत ही कम था वाइन ग्लासेस के प्राइस यूजली काफी हाई होते हैं बट वहां पे मुझे ये काफी अच्छा लगा ऐसा बहुत ज्यादा महंगा नहीं लगा एंड नाउ कम्स माई फेवरेट फेवरेट थिंग्स सो so, मेरे हर शॉपिंग का जो फेवरेट होता है वो हो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आप सो आई गॉट सम क्रॉकरीज बिचेज इज रियली नाइस मतलब मुझे अच्छा लगा एंड कंपेरेटिवली होम सेंटर से कम प्राइस का लगा और क्वालिटी मुझे अच्छी ही लगी सो आई एम आई एम गोइंग टू शो यू सो दिस इज द प्लेट सेट आ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कंपेरिटिवली क्वालिटी अच्छी लगी और कम्पेरेटिवली प्राइस भी मुझे होम सेंटर से अच्छा लगा क्वालिटी का मैं नहीं कह सकती क्योंकि होम सेंटर की क्वालिटी काफी अच्छी होती है मेरे मैक्सिमम क्रॉकरीज जो है वो होम सेंटर के हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं और अभी तक चल रहे हैं मतलब कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो सात आठ साल पुराने हैं मैंने शादी के तुरंत बाद लिया था और वो अभी भी चल रहा है तो क्रॉकरीज काफी अच्छी है होम सेंटर की अभी मैं इस आई से दो चार ग्लासेस और कप्स मैंने मंगवाए हैं ऑनलाइन विच इज गुड जो अभी तक चल रहे हैं घर किचन का जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है ना दैट इज क्रॉकरीज देन फोर ये बिग बाउल्स ये फोर ये मैंने कम्प्लीटली सेट खुद से बनाया है सब अलग अलग ही मिल रहा है ऐसे सेट में नहीं था Uh, ये नाइनटीन फोर्टी सिक्स आई मीन टू थाउजेंड के अराउंड का ये फोर बाउल uh, है देन uh, ये टू साइज प्लेट्स मैंने लिए हैं ये मुझे पड़ा है थाउजेंड रुपीज का दो है आई मीन फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड का एक है देन फोर पीस ऑफ दिस स्मॉल स्मॉल प्लेट ये मुझे लेना नहीं था बट माई हजबेंड सेट अचार ऑन इट तो फिर मैंने ले लिया <laughs> ये मुझे इतना मन नहीं कर रहा था मुझे लगा क्या यूज यूज आएगा ये सेट में है बट स्टिल क्या यूज आएगा ये मुझे लेना नहीं था बट माई हजबेंड से प्लीज़ पुट अचार एंड सम चटनी ऑनियन तो खाने के टाइम पे सो so, मैंने ये स्मॉल स्मॉल से प्लेट्स ले लिए विच इज़ लुकिंग वेरी क्यूट या सेवन हंड्रेड का ये फोर मिला है सो यू कैन अंडरस्टैंड क्रॉकरीज क्रॉकरीज इतनी भी सस्ती नहीं है वहाँ पे जितना मैं बोल रही थी दीज फोर बाउल्स ये साइज में काफ़ी अच्छा बड़ा बाउल है बिग बाउल्स है विच इज़ फॉर करीज इन ऑल और समथिंग यू यू टू ईट कैन तो ये भी चार का सेट है और ये मुझे पड़ा है 1400 का मेजर शॉपिंग हुई वो हुई, क्रॉकरीज की और मुझे काफी अच्छा लगा काफी अच्छे मिल रहे थे इवन सस्ते वाले भी मिल रहे थे आपको कुछ वाइट वाले जो ओला पोला वाले आते हैं वो वाले वो आपको कुछ सिक्सटी नाइन रुपीज पर पीस के अकॉर्डिंग मिल रहा था तो इफ यू वॉन्ट टू चेक आउट सम दो कैन डेफिनेटली विजिट और इस ढंग की क्रॉकरीज भी मिल रही थी बट ऑप्शंस मुझे कंपेरेटिवली मैं फिर से कहूँगी कि कम थे इससे बेटर तो आपको होम सेंटर में इससे ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे क्रॉकरीज के और इतनी शॉपिंग करी मैंने इससे ज़्यादा करने की हिम्मत नहीं हुई और इसमें ही पूरा दिन हमारा चला गया बिकॉज फर्स्ट वी वेंट टू द शोरूम एरिया तो वहाँ पर हमने सब देखा पहले देन वी वेंट टू ईट और खाने में इतनी लंबी लाइन ऐसा मुझे लग रहा था कि लोग शॉपिंग से ज़्यादा आइकिया का खाना खाने के लिए आए हुए हैं जो कि फ्री में नहीं मिल रहा खरीदना पड़ेगा बट उसके लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी तो मे भी वीकेंड था इसलिए और यहाँ पे weekends को हर जगह बहुत भीड़ रहती है तो दैट्स माई स्मॉल स्मॉल हॉल वीडियो थोड़ा लंबा ही हो गया स्मॉल के चक्कर में बट आई कट सो मेनी पार्ट सो दैट्स ऑल फॉर टूडे आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कंसिडर सब मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इसी बबाई टेक केयर